हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय आर्ट गैलरी। तो आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं हम। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, आपके लिए फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ मैं। और आप भी चलो मेरे साथ देखिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया है ये किस हद तक इम्प्रेसिव है। ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ बॉल पेन स्केचिंग वीडियो है, जिसमें मैंने कलरफुल बॉल पेन यूज़ करके ये स्केच ड्रॉ किया है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने इसमें बॉल पेन यूज़ किए हैं वो है फ्लेयर के एक्सप्लोरर बॉल पेन का सेट, जो है 12 पीस का, जो मुझे पड़ा लगभग 90 रुपीज़ का। और चलो देखते हैं ये कितना इम्प्रेसिव है और क्या है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर एक रिव्यूइंग वीडियो बन जाएगा आपके लिए और मेरे लिए भी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ख़रीद के ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, या इससे भी कोई चीप अगर वेरिएंट आपको मिलता है तो वो भी ट्राई करके आप यूज़ करके देख सकते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव, फिर भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर ट्राई, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सब तक कितना इम्प्रेसिव है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पहले बताया है, जैसे बेसिक हमारा स्टार्टिंग होता है, हमने ग्रिड मेथड यूज़ करके उसके आउटलाइन बना लिया है। और आउटलाइन बनाने के बाद में हमने ये एक लेवल तक मैंने उसका एक आई का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। उसके बाद मैंने सीधा बॉल पेन से स्टार्ट किया। ये मेरा टेक्निक था, आप अपनी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। मेरी टेक्निक सिंपल थी कि पहले एक आउटलाइन बना लेना है पेंसिल से, और पेंसिल आउटलाइन बनाने के बाद जब एक आपका आई आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद बॉल पेन से स्टार्ट करो। तो मैंने बॉल पेन से स्टार्ट करते हुए पहले ब्राउन बॉल पेन से स्टार्ट किया, उसके बाद ब्लैक बॉल पेन यूज़ किया। वही मेथड यूज़ किया जो हम पेंटिंग में यूज़ करते हैं, फर्स्ट ब्राउन कलर से देन ब्लैक करते गया। तो ब्लैक बॉल पेन, ब्राउन बॉल पेन मोस्ट कॉमनली वो ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है, जैसे आई का आईब्रोज, आई लैश, देन आई बॉल्स, तो सब कुछ उससे किया। बाद में फिर ऑरेंज, जब मैंने इसमें जो स्किन टोन यूज़ करना था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि बॉल पेन्स में कौन सा कलर होना चाहिए। तो बहुत सी वीडियो देखी, रेफरेंस वीडियो देखी, तो उसमें एक ऑरेंजिश टोन दिखता था, पर मुझे लगा कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पर लकीली मुझे इस शेड जो 10, मैं स्टार्ट में बोला था गलती से कि 12 पीस का सेट है, पर ये 10 पीस का सेट है, और इसमें मेरे को लकीली ये ऑरेंज कलर मिल गया और इससे मेरा काम हो गया। तो आप देख सकते हो कि क्लियरली दिख के आ रहा है कि वो ऑरेंज शेड ने काफ़ी हद तक मेरा काम कर दिया है इसमें। और वैसे ही मैं पूरा स्केच को करते गया, कंटिन्यू करते गया, और इसमें पूरा ही मतलब उसके बाद जब मैंने शुरुआत में थोड़ी पेंसिल यूज़ की, बाद में तो पूरा बॉल पेन से ही स्टार्ट टू एंड करते गया। आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार बॉल पेन से आपने कुछ बना लिया, पेंसिल तो इरेज कर सकते हो पर बॉल पेन को नहीं, तो उतना परफेक्शनली उसको ऑब्जर्व करना है आपको, और फिर आपका स्केच कंटिन्यू करना है। तो इसलिए सब कुछ प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि बॉल पेन को आप रफ नहीं कर पाओगे, इरेज नहीं कर पाओगे जैसे आप पेंसिल को कर सकते हो। तो बस उसी परफेक्शन से आगे बढ़ते जाना है। तो मैंने वही कंटिन्यू किया और इमेज को ऑब्जर्व किया, डार्क एंड लाइट शेडोज़ कहाँ पड़ रहे प्रॉपरली वो ऑब्जर्व किया, और उसको पूरे वीडियो को कंटिन्यू करते गया, स्केचिंग कंटिन्यू करते गया। तो वैसे ही आपको भी करना है। और ब्राउन और ब्लैक का शेड जो हेयर्स में दिख के आ रहा था वो मैंने इसमें यूज़ किया। बैरल को मैंने इसमें यूज़ किया है, जो कलर मोस्ट कॉमन कलर है, जो ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है, और बीच में जो एक हाईलाइट दिख रहा है वो मैंने प्लेन वाइट छोड़ दिया है। उसके बाद क्लोथ्स को हमने कलर किया, क्लोथ्स को मतलब शेड दिया जो पेन से शेड देना है। ब्लैक शर्ट थी तो ब्लैक पेन से ही हमने उसको शेड दिया, लाइट एंड डार्क शेड उसका। वैसे ही आप बाकी बॉडी पार्ट जो ओपन बॉडी पार्ट्स में रह गया था उसको भी ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन जो शेड था वो यूज़ किया। बाद में कोट तो जो इसमें यूज़ है, उसमें जो इमेज में था कोट को एक सिंगल लाइनिंग वाला कोट था जो हमने यूज़ किया दिख रहा है इसमें, और उसको हमने इससे क्या बोलते हैं आपका ब्लैक पेन से आउटलाइन किया। बाद में पॉकेट के ऊपर जो एक हैंकी टाइप दिखता है उसको हमने रेड बॉल पेन से और वाइट से और ब्लैक से आउटलाइन कर दिया। बाद में पूरा होने के बाद फिर ये यहाँ पर आपका बॉल पेन का काम ख़त्म हो गया, ये आपकी बॉल पेन की इमेज। मैं सोचा थोड़ा इसको और उठा के दिखाने के लिए मैंने ब्लैक पीछे बैकग्राउंड में जो यूज़ किए वो कलर पेंसिल्स थे, जो नॉर्मल कलर पेंसिल्स होते हैं, तो उसमें सोचा उससे थोड़ा और हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा पीछे, एक बोके इफेक्ट लाने का ट्राई किया। तो उस वजह से मैंने ब्लैक बॉल पेन यूज़ किया, और ब्लैक बॉल पेन बोल रहा हूँ आपका कलर पेंसिल यूज़ किया, और कलर पेंसिल यूज़ करके मैंने वो कंप्लीट कर दिया।
तो थोड़ा उससे एक अच्छा लुक आया, डेप्थ मिला इमेज को, आपके स्केच को डेप्थ मिला, और इसी से मैंने अपने पूरे स्केच को कंप्लीट किया। तो ये पूरा स्केच, ये पूरा वीडियो मैंने एक क्विक वीडियो बनाया, मतलब आपको दिखाने के लिए, और इसमें सब कुछ क्लियरली अब आपको समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप अब तक इसमें बने हुए हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको नहीं इम्पोर्टेंट, मतलब आपको कुछ इतना इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं हो रहा, पर हाँ अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंटरेस्टेड है स्केचिंग में, तो आप प्लीज़ उसको ये शेयर कीजिएगा, जिससे उसके लिए वो इम्पोर्टेंट साबित हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।